वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज है आज है 24 मार्च और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि 22 मार्च को था। और अभी बजे 9:15 और हम आ गए यूनिवर्सिटी। आज बहुत पहले ही आ गए हैं और DDU में एक ऐसी जगह दिखाते हैं जो स्टार्टअप की फंडिंग करता है। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है तो एक प्रेजेंटेशन बनाइए और यहाँ से फंडिंग लीजिए। तो अभी दिखाते हैं आपको। देखिए, वो है गेट और गेट से इसे इस किनारे किनारे राइट हैंड साइड सीधे चले आना है और सीधे थोड़ा चलना है। जब आप सीधे चलते हुए आएंगे, एक पीपल का पेड़ दिखेगा। पीपल के पेड़ के सामने एक बिल्डिंग, यही है वो बिल्डिंग जिसका नाम है पूर्वांचल इंक्यूबेशन काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंक्यूबेशन सेल। तो ये आप जो देख रहे हैं पूर्वांचल विकास उत्तर प्रदेश बोर्ड। तो जो भी आपके पास आइडिया है, जो भी आइडिया है उसका एक फाइल बनाइए, प्रेजेंटेशन बढ़िया सा बनाइए, यहाँ पे आइए, आइडिया को बताइए और आइडिया अच्छा लगा तो फंडिंग आपको मिल सकती है। तो देरी किस बात की है, बन जाइए चाय वाला। जो भी आइडिया हो उसका बनाइए फाइल और वहाँ जमा कर दीजिए और बात कर लीजिए। मतलब कुछ भी आपके पास स्टार्टअप आइडिया है जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं फंडिंग के लिए। जैसे बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि आइडिया होता है, एग्जीक्यूट करना भी है, पर फंडिंग कहाँ से लें, तो फंडिंग आप वहाँ से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है DDU फंडिंग देगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्टार्टअप को जो फंडिंग के लिए इनिशिएटिव लॉन्च की है उसके, मतलब UP गवर्नमेंट फंडिंग देगी, DDU नहीं। DDU तो एक जरिया है। देरी किस बात की है, अपने आइडिया को लेके पहुँचिए यहाँ और फंडिंग लीजिए। और DDU के स्टूडेंट हैं तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको, तो आइए। कभी कभी बिल्कुल लेट हो जाता है, क्लास नहीं कर पाते हैं, आज इतना पहले आ गए हैं कि पूरा खाली है। तो काम क्या करने जाना है इतना पूरे खाली में, हमको समझ नहीं आ रहा है। हाँ, 9:30 कौन सा काम है? क्लास के अंदर जाके ना साफ सफाई करना है, डेट डालना है, जैसे टॉपर लोग डेट डालते हैं। अरे हम डेट डाल दे, थोड़ा डस्टर लेके वो साफ कर दे ब्लैक बोर्ड। हम अपना दिखा नहीं रहे हैं ना। अरे टाइम बचा नहीं, अरे नहीं तो हम वैसे आएंगे। क्या बात है भाई, चाय पियोगे? चलो चाय पी करते हैं। कुछ बोलिए अभिनव जी आज के ब्लॉग में, बोलो वे कुछ। क्या बोले, कुछ नहीं। अबे हम कल यहाँ अपना ब्लॉग देख रहे थे, वे इतना भी बुरा नहीं था। प्लेलिस्ट जब खोले गोरखपुर यूनिवर्सिटी का तो उसमें तुम ज्यादातर सब में हो भाई। हम कंटेंट देते हैं ना। अच्छा, कंटेंट देते हैं जी। क्या प्रवीण, कुछ बोलो। क्या बोले ब्लॉग में। अभिनव जी, क्लास करके कैसा लगा? लास्ट क्लास थी सर, बहुत अच्छा लगा। लास्ट नहीं, मतलब एक एक सब्जेक्ट का लास्ट है। अत्रे सर की बड़ी याद आएगी, बड़ी याद आएगी, याद आएगी। हाँ यार, बहुत अच्छे अच्छे जीवन की बातें बताते थे, बस वही बताते थे, बताते। और कुछ नहीं, हम जाने वाले हैं कमरीज। कमरीज तू तो जाइबा कमरीज के, मोटिवेट कर देते थे एकदम, मोटिवेट।